दोस्तों, क्या आपको 111 या 1111 नंबर अचानक कभी कभार या रेगुलर नजर आने लगते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस नंबर का दिखना मात्र एक संयोग है? क्या ये नंबर नजर आते ही आपको कोई विश मांगनी चाहिए, या फिर इस नंबर में छिपा है इस यूनिवर्स का कोई इशारा, कोई सिग्नल, कोई मैसेज या कोई रहस्य जिसे ये यूनिवर्स इन नंबर्स के माध्यम से आपको बताना चाहता है, या फिर इस नंबर में छिपी है आपके सपनों की कोई रहस्यमय चाबी? दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में किसी सपने पर पूरे फोकस के साथ मेहनत कर रहे हैं और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस यूनिवर्स की किसी सुप्रीम पावर पर पूरा यकीन है और आप भी कभी कभार या रेगुलर 111 या 1111 जैसे क्रमबद्ध नंबर्स को देखते हैं, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको इस नंबर में छिपे रहस्य को समझाने में आपकी मदद करेगा और आपको आपके ड्रीम्स के एक कदम और नजदीक ले जाएगा। दोस्तों, अपने समय के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हैं तो आपको नंबर्स को समझना होगा, क्योंकि यदि भगवान कोई इंसान होता तो वो जरूर कोई मैथमेटिशियन ही होता, क्योंकि भगवान इन नंबर्स के माध्यम से बात करते हैं। निकोला टेस्ला स्वयं 3, 6 और 9 को इस यूनिवर्स की चाबी मानते थे और इन नंबर्स के प्रति उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें सनकी भी कहते थे। दोस्तों, निकोला टेस्ला ही नहीं बल्कि अन्य कई वैज्ञानिकों को भी इस यूनिवर्स की हर चीज में नंबर और मैथ शामिल होने पर पूरा यकीन रहा है, जिनमें से एक थे पाइथागोरस, जो अपनी पाइथागोरस थ्योरम और कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जाने जाते हैं। उनका विश्वास था कि ऑल इज नंबर, इस यूनिवर्स की हर चीज को नंबर से समझा और समझाया जा सकता है, और यदि निकोला टेस्ला और पाइथागोरस जैसे महान लोगों के यकीन पर यकीन किया जाए और यदि इस यूनिवर्स की हर चीज में नंबर मौजूद है, तो संभव है कि ये यूनिवर्स या कोई सुप्रीम पावर आपसे कुछ कहने या आपको कुछ इशारा देने के लिए इन्हीं नंबर्स को अपना माध्यम बनाती होगी, जिन्हें आपको डिकोड करना है, समझना है। दोस्तों, वैसे तो हर नंबर का अपना एक अलग वाइब्रेशन और अपना एक अलग महत्व और कार्य है, लेकिन 111 नंबर उन सभी में सबसे स्पेशल है। ये एक आध्यात्मिक और शक्तिशाली नंबर है जिसमें कुछ रहस्यमय ताकतें छिपी हैं। यदि अचानक 111 या 1111 ये क्रमबद्ध नंबर कभी मोबाइल, कभी कंप्यूटर, कभी घड़ी में तो कभी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर रेगुलर नजर आने लगता है, तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये सब बिना वजह नहीं है। ऐसे क्रमबद्ध नंबर नजर आने के चांस उन लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं जो अपने किसी सपने पर पिछले कुछ दिनों, महीनों या सालों से पूरी निष्ठा के साथ पूरे फोकस होकर काम कर रहे हैं, या लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर किसी सपने को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन नंबर्स का नजर आना इशारा है इस यूनिवर्स का या उस सुप्रीम पावर का कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं या पक्ष में बदल रही हैं, या धीरे धीरे आपके सपनों के पूरा होने की दिशा में चीजें क्रमबद्ध हो रही हैं, चीजें सकारात्मक मोड़ ले रही हैं। ये इशारा है कि ये यूनिवर्स आपके भीतर की अनंत शक्तियों से कनेक्ट होकर परिस्थितियों को आपके पक्ष में कर रहा है। ये संकेत है कि यूनिवर्स आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कोई नया मोड़ आने वाला है। यूनिवर्स का ये सिग्नल है कि आप सही दिशा में हैं, आप जो चाहते हैं उसके नजदीक हैं और उस दिशा में काफी चीजें आपके पक्ष में आगे बढ़ रही हैं। आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के नजदीक हैं। परिस्थितियां बदल रही हैं या बदलने वाली हैं, या हो सकता है ये आपके लिए वेकअप कॉल हो कि आपके बिजनेस या नौकरी में आपको नए या बड़े अवसर जल्द ही मिलने वाले हैं, या ये संकेत हो कि ऐसे कुछ अवसर आपके आसपास ही हैं, या फिर ये प्यार या किसी रिश्ते में नई शुरुआत या सफलता मिलने का संकेत भी हो सकता है। इसीलिए अपने आसपास जो भी हो रहा है उस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, वरना पहले कभी ये नंबर आपको नजर क्यों नहीं आए। ये एक अच्छा सकारात्मक संकेत है। इस दौरान आप खुद से और यूनिवर्स से बेहतर जुड़ सकते हैं। ये समय है अपने गोल पर फोकस होकर निरंतरता बनाते हुए एक्स्ट्रा कोशिश कर कुछ एक्स्ट्रा पाने का, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, चीजें लाइन अप हो रही हैं। ये समय है खुद में होते सकारात्मक बदलावों को महसूस करने का, खुद से कनेक्ट होने का, खुद के भीतर की अनंत शक्तियों को और एक अलग डायमेंशन को स्पिरिचुअली
महसूस करने का, क्योंकि क्रमबद्ध 111 संकेत है जिंदगी में होने वाले किसी सकारात्मक परिवर्तन या बदलाव का। इस दौरान खुद से कनेक्ट होने के लिए हर दिन कुछ देर मेडिटेशन करें। गौर करें पिछले 6 महीने में खुद में आए परिवर्तनों पर, परिस्थितियों पर। ऐसा करने से आप ब्रह्मांड के भेजे इन संकेतों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और ज्यादा जल्दी डिकोड कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आपको ये नंबर नजर नहीं आ रहे तो आप अपने सपनों पर फोकस नहीं है, या आप अपने मकसद पर पूरी तरह से मेहनत नहीं कर रहे, या आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में कोई कमी है। लेकिन केवल कुछ लोगों को ये नंबर्स नजर आने का मतलब केवल इतना है कि वे लोग अन्य लोगों के मुकाबले इस यूनिवर्स से स्पिरिचुअली ज्यादा बेहतर कनेक्ट हो पा रहे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ चीजें वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं की जा सकती, वे चीजें केवल अनुभव की जा सकती हैं। इस तरह क्रमबद्ध इस नंबर का नजर आना केवल संयोग नहीं, संकेत है इस यूनिवर्स का कि यही वो अवसर है जिस समय में आप अपने इरादों की मदद से वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये एक अच्छा समय है जिसमें ये यूनिवर्स भी आपकी मदद के लिए आपके साथ है। सपने मैनिफेस्ट करने का ये एक बेस्ट टाइम है। इस समय में अपने दिमाग को अलर्ट रखें और अपने आसपास मौजूद हर चीज पर ध्यान दें और ध्यान करें, या फिर कुछ देर केवल खुले आसमान को देखें, क्योंकि अवसर और परिस्थितियों को पलट जिंदगी बदलने की चाबी आपके आसपास ही मौजूद है। दोस्तों, क्या आपके सामने ऐसे क्रमबद्ध नंबर्स कभी कभार या रेगुलर अचानक सामने आते हैं? तो अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो से आपने अगर कुछ सीखा हो या आपके दिमाग की कुछ खिड़कियां थोड़ी सी भी खुली हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि जीवीजी के हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो सब्सक्राइब और बेल के बटन के साथ क्या करना है ये तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं। तो खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जीवीजी मोटिवेशन पर हर रोज आते रहिए। धन्यवाद।